दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सूर्य के जन्म और उसके कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम सूर्य के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना करेंगे। सूर्य हमारी धरती को प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र कुदरती साधन है। सूर्य के ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए, और क्या सूर्य के बिना धरती पर जीवन संभव हो पाएगा? और दोस्तों, ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल यूनिवर्स नॉलेज इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सूर्य पिछले 4.5 अरब सालों से हमारे ग्रह पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य हमेशा धरती पर ऐसे ही मेहरबान नहीं रहने वाला। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की औसत आयु करीब 9 अरब साल आंकी गई है। अब जैसा कि सूर्य पिछले 4.5 अरब सालों से लगातार पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा दे रहा है, इसका मतलब सूर्य अपनी औसत आयु के आधे पड़ाव पर है। क्या होगा अगर सूर्य गायब हो जाए तो? अब अगर इस केस में सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो करीब 500 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की किरणों को धरती तक आने के लिए करीब 8.3 मिनट लगते हैं और इसके बाद पृथ्वी अंतकाल के अंधेरे में पसर जाएगी। सूर्य के चले जाने के बाद चांद भी अंधेरे में डूब जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद सूर्य की किरणों से ही प्रकाशित होता है। सूर्य और चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी के पास रोशनी का एक जरिया होगा, वो आसमान में चमकते हुए सितारे। हालांकि इसकी रोशनी बेहद कम होगी। सूर्य के जाने के बाद सूर्य का पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अब सौर मंडल के चक्कर ना लगाकर 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में एक अंतहीन सफर पर निकल जाएगी। हालांकि तब तक किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा और लोग रात के गुजरने का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि ये अंतहीन रात है। सूर्य के जाने के बाद हम कोयले, पेट्रोलियम और बिजली के खत्म होने तक अपने शहरों को पहले के भांति रोशन रख पाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। सूर्य के ना रहने से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में हमारे 98% भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। पृथ्वी पर भोजन की कमी की वजह से लूटपाट, मारकाट जैसी आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगेगी, क्योंकि भूखी पेट किसी भी देश की सेना अपनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। सूर्य के बिना हमारी धरती का तापमान गिरने लगेगा। शुरुआती दौर में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री तक रहेगा, लेकिन 2 महीनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान -100 डिग्री तक गिर जाएगा। इस तरह समुद्र और नदियां समेत पूरा पृथ्वी ग्रह ही जम जाएगा। इस कम तापमान में वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरी पृथ्वी बर्फ की तरह सफेद होने लगेगी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक गिर जाएगा। सूर्य के जाने के बाद 20 से 30 सालों में हमारा ग्रह इतना ठंडा हो जाएगा कि हवाएं बर्फ के रूप में चलने लगेगी, और साथ ही साथ अंतरिक्ष से घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेगी। इनसे इंसान लंबे समय तक नहीं बच पाएगा। इस
कठिन परिस्थिति और भोजन की कमी के चलते बचे कुछ इंसानों के पास स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे अनुकूल ग्रह पर जाने के सिवाय जीवन को सुरक्षित रख पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं होगा और धीरे धीरे पृथ्वी पर इंसानों का अंत होने लगेगा। हालांकि इंसानों के इस निराशाजनक अंत का एक अच्छा पहलू ये भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूर्य की किरणों की बजाय पृथ्वी के केंद्र से आने वाली ऊर्जा से अपना भोजन तैयार करते हैं। इस तरह सूर्य के गायब होने के अरबों सालों बाद भी इन समुद्री जीवों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने इस सफर में पृथ्वी ना जाने कितने तारों और ग्रहों के करीब से गुजरेगी और क्या पता शायद पृथ्वी एक दिन किसी ऊर्जावान सितारे के ग्रेविटेशनल फोर्स में आकर उसके चक्कर काटने लगे और उस तारे की गर्मी से महासागरों की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए, हवाएं बर्फीली ना होकर सामान्य चलने लगे और बर्फ की चादर ढकी इस पृथ्वी पर जीने की अनुकूल परिस्थिति बन जाए। फिर समुद्री जीव पृथ्वी पर आकर एवोल्यूशन की प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे। फिर सैकड़ों सालों के निरंतर विकास के बाद मानव फिर से पृथ्वी पर अपने कदमों के निशान बना पाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।